लगभग 50 करोड़ साल से समुद्र में राज कर रही यह कोरल रीफ ना सिर्फ समुद्र की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। प्रकृति द्वारा निर्मित यह ढांचा इतना विशालकाय है कि यह अंतरिक्ष से साफ साफ दिखाई देता है। यह समुद्र में पाए जाने वाली 25% से भी ज्यादा प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। आवाज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे इसी अद्भुत कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ पानी के अंदर का एक संपूर्ण इकोसिस्टम है। यह मुख्यतः कोरल से बने होते हैं और यह कोरल्स छोटे छोटे कोरल पॉलिप्स की कॉलोनी से मिलकर बनते हैं। यह कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यह समुद्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की काई का घर है। यह न सिर्फ कोरल रीफ को भोजन प्रदान करती है बल्कि यह उनको उनका प्राकृतिक रंग भी प्रदान करती है। कोरल रीफ्स विभिन्न प्रकार और आकार में पाई जाती है, कुछ मानव के मस्तिष्क की तरह, कुछ मधुमक्खी की छत्ते की तरह और कुछ तो हिरण के सिंगों की तरह भी दिखाई देती है। कोरल रीफ जमीन पर पाए जाने वाले पौधों की तरह दिखाई पड़ती है, पर यह असल में एक जीव है जो कि जैविक नजरिए से जेलीफिश से बहुत मेल खाती है। कोरल रीफ्स मुख्यतः 3 किस्मों में पाई जाती है, कोरल एटॉल, फ्रिंजिंग रीफ्स और बैरियर रीफ्स। कोरल एटॉल देखने में एक बड़े छल्ले नुमा आकार की होती है, कई बार तो इसे एक टापू भी समझ लिया जाता है। यह पानी के नीचे वाले सक्रिय ज्वालामुखी के लावे से बनती है। अक्सर जो सुंदर रीफ हमें समुद्र के किनारे पर मिलती है उन्हें फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ का विकास बहुत धीरे धीरे होता है, औसतन यह 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ती है। इनका जीवन समुद्र की सतह से 150 फीट की गहराई तक ही मुमकिन है क्योंकि इनके पैदा होने और पनपने के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यक है जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समुद्र की सतह से 150 फीट के नीचे का पानी कोरल रीफ के पनपने के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि गहराई में जाते जाते पानी और ठंडा हो जाता है। कई वैज्ञानिक शोधों में पता चला है कि कोरल रीफ में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, इसी वजह से इसका इस्तेमाल कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। कोरल रीफ द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण जैव विविधताओं से भरा हुआ है, इसी वजह से माना जाता है कि पूरे उत्तरी अमेरिका में जितनी प्रजातियां पक्षियों की है उससे कई ज्यादा मछलियों की प्रजातियां केवल 2 एकड़ कोरल रीफ्स में पाई जाती हैं। कोरल रीफ समुद्र के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए समुद्र के पानी को साफ करने में एक अहम भूमिका निभाती है। समुद्र की अनावश्यक जैविक गंदगी को अपने अंदर ही रोक लेती है जिसके कारण समुद्र की निर्मलता बरकरार रहती है। यह कई जीव जंतुओं के लिए घर व भोजन का स्रोत है। यह समुद्र के जीवन चक्र को बखूबी बनाए रखती है। कोरल रीफ की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यह पृथ्वी की 50% ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। गौरतलब है कि कोरल रीफ समुद्र तल के 1% के 400वें हिस्से में ही स्थित है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोरल रीफ बहुत महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ मछलियों का लालन पालन करके मनुष्यों की सहायता करती है बल्कि पर्यटकों के बीच इसका एक खास स्थान है। कोरल रीफ के सुंदर नजारों का लुत्फ उठाने दुनिया भर से हजारों पर्यटक समुद्री तटों पर आते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार केवल 100 वर्ग किलोमीटर रीफ खराब होने से सालाना लगभग 36 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम है। यह अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई देता है। यह 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 1,050 टापुओं से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 2300 किलोमीटर तक है। प्राकृतिक रूप से कोरल रीफ विभिन्न रंगों में पाई जाती है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर से पानी के तापमान में बढ़ोतरी आती जा रही है जिसके चलते प्रकृति का यह खूबसूरत वरदान अपने रंगों को खोता जा रहा है। इसी वजह से
कोरल रीफ का रंग सफ़ेद होता जा रहा है। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। सन 1998 में अभी तक की सबसे बड़ी मात्रा में कोरल ब्लीचिंग देखी गई है, जिसमें लगभग 16% रीफ्स ब्लीचिंग का शिकार हो गई थी। मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम हिस्सा समुद्र सोखता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से समुद्र के पानी की अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, जो कि कोरल रीफ को जरूरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं सोखने देती। एक शोध के अनुसार 2030 तक हमारी धरती के 50% रीफ को हम खो देंगे और सन 2050 तक यह आंकड़ा 90% तक छू सकता है। अगर हम चाहते हैं कि यह अनमोल कोरल रीफ विलुप्त होने से बच जाए, तो मानव जाति को जल्द से जल्द पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, वरना मानव जाति की आने वाली पीढ़ी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।